अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद इकबाल। आज हम केमिस्ट्री डिस्कस करेंगे। केमिस्ट्री में आज हमारे पास है टेस्ट रिजल्ट 9.1, 9.2 और 9.3। 9.1 के लिए आप पेज नंबर 6 देखेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है, व्हाई रिवर्सिबल रिएक्शन नेवर कंप्लीट। रिवर्सिबल रिएक्शन कभी भी मुकम्मल नहीं होते। इसका जवाब पेज नंबर 1 पर, पेज नंबर 1 इसमें तीसरी लाइन से है, मोस्ट केमिकल रिएक्शन डू नॉट गो टू कंप्लीशन बिकॉज प्रोडक्ट रिएक्ट देमसेल्व्स टू फॉर्म रिएक्टेंट, क्योंकि प्रोडक्ट मिलकर रिएक्टेंट्स बनाते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज स्टैटिक इक्विलिब्रियम एक्सप्लेन विद एग्जांपल। स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या है, एग्जांपल की मदद से बयान करें। ये हमारे पास पेज नंबर 4 पर एक डेफिनेशन है इक्वेशंस के नीचे, या तीन लाइनों का पैराग्राफ है, ये मुकम्मल लिखेंगे। व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज द सेम एज द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, द कंपोजिशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर रिमेंस कांस्टेंट, इट इज कॉल्ड केमिकल इक्विलिब्रियम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स डू नॉट चेंज इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की अमाउंट जो है वो चेंज नहीं होती। इसका जवाब हमारे पास इसी पेज नंबर 6 पर मौजूद है। इसका पॉइंट नंबर टू, एट इक्विलिब्रियम स्टेट रिएक्शन डज नॉट स्टॉप, फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन कीप ऑन टेकिंग प्लेस एट द सेम रेट बट इन अपोजिट डायरेक्शन। उसके बाद हमारे पास टेस्ट रिजल्ट 9.2, ये पेज नंबर 9 पर मौजूद है। इसमें देखें, इसका जो है वो क्वेश्चन है हमारे पास, डिफाइन लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन को डिफाइन करें, पहला क्वेश्चन। इसका जवाब स्टूडेंट्स पेज नंबर 6 पर मौजूद है। हेडिंग है लॉ ऑफ मास एक्शन। ये शुरू से गिल्डबर्ग एंड वेज इन 1869 से लाइन नंबर 4 के शुरू तक एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस तक आता है। इसका क्वेश्चन नंबर 2, हाउ एक्टिव मास इज रिप्रेजेंटेड। एक्टिव मास को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इसका जवाब भी हमारे पास पेज नंबर 6 पर मौजूद है। बाकी की जो आगे दो लाइनें हैं, जनरली एक्टिव मास इज कंसिडर्ड एज मोलर कंसंट्रेशन हैविंग यूनिट ऑफ मोल पर डेसीमीटर क्यूब एक्सप्रेस्ड एज स्क्वायर ब्रैकेट। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू यू मीन बाय इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से क्या मुराद है, ये इसी पेज नंबर 9 पर टेस्ट योरसेल्फ के नीचे हमारे पास हेडिंग मौजूद है। इसमें इसकी मुकम्मल डेफिनेशन भी मौजूद है और इसका फार्मूला भी एसी की शक्ल में मौजूद है। ये तकरीबन 4 लाइनें बनती हैं या मुकम्मल है। इसका क्वेश्चन नंबर 4, पॉइंट आउट द कोएफिशिएंट ऑफ ईच इन द फॉलोइंग हाइपोथेटिकल रिएक्शन। ये फर्जी रिएक्शंस हैं, इनमें से हर एक का कोएफिशिएंट बयान करें। स्टूडेंट्स इंग्लिश अल्फाबेट के इससे पहले जो नंबर लिखा गया है वो इसका कोएफिशिएंट है। मसलन पहले रिएक्शन में ए के साथ 2 है तो इसका कोएफिशिएंट 2, बी के साथ 3 है इसका कोएफिशिएंट 3, सी के साथ 4 है इसका कोएफिशिएंट 4, और डी के साथ 2 लिखा हुआ इसका कोएफिशिएंट 2 होगा। इसी तरह बाकी भी 2 रिएक्शन जो हैं इसी तरह होंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, राइट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। इन रिएक्शंस के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन जो है वो बयान करें। ये हमने इससे पहले न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं, उसमें भी इस चीज़ को डिस्कस किया गया है, दोबारा देख लें। इसमें पहला जो रिएक्शन है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में डीकम्पोज होकर डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड में तब्दील होती है। इसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन Kf is equal to concentration of nitrogen dioxide, जो कि reactant की concentration है। इसके molecules की तादाद 2 है, लिहाजा इसकी power 2 लिखेंगे। इसी तरह rate of reverse reaction is equal to Kr into concentration of di nitrogen oxide, इसका एक मोल है लिहाजा इस पर पावर नहीं लिखी जाएगी। इसका equilibrium constant लिखेंगे Kc, इसमें product ऊपर आएगी और reactants नीचे आएंगे। इसका दूसरा पार्ट है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और क्लोरीन के साथ रिएक्शन और उससे फास्फोरस पेंटाक्लोराइड प्रोड्यूस होगा। इसमें भी उसी तरह एसी ऊपर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और नीचे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, चूंकि तमाम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के मोल्स की तादाद 1 है लिहाजा किसी पर हम मोलर कंसंट्रेशन या पावर नहीं लिखेंगे। उसके बाद इसका तीसरा रिएक्शन है सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाएगा। तो इसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन सल्फर डाइऑक्साइड, इसके मॉलिक्यूल्स की तादाद 2 है लिहाजा इस पर पावर 2 लिखेंगे। ऑक्सीजन इसके मॉलिक्यूल 1 है लिहाजा 1 पावर नहीं लिखेंगे। और इसी तरह रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन सल्फर ट्राइऑक्साइड, इसके मॉलिक्यूल्स की तादाद 2 है लिहाजा यहां पर पावर 2 लिखी जाएगी। उसके बाद
ऊपर जो है प्रोडक्ट्स लिखेंगे, उसके मोल्स की तादाद, और नीचे रिएक्टेंट्स और उनके मोल्स की तादाद। नेक्स्ट आता है हमारे पास टेस्ट वेसल 9.3, इसके लिए आप पेज नंबर 14 देखेंगे। पेज नंबर 14, इसका पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन, रिएक्शन की एक्सटेंट, रिएक्शन की सलाहियत से क्या मुराद है। इसका जवाब पेज नंबर हमारे पास 13 पर मौजूद है। पेज नंबर 13, जैसे कि आपको यहाँ लिखा हुआ नजर आ रहा है, इसमें हेडिंग है प्रिडिक्टिंग एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन। इसकी दूसरी लाइन से स्टार्ट करेंगे, इट इंडिकेट टू विच एक्सटेंट रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड, ये पैराग्राफ आखिर तक। उसके बाद दूसरा सवाल, व्हाई आर रिवर्सिबल रिएक्शन डू नॉट गो टू कंप्लीशन, रिवर्सिबल रिएक्शन मुकम्मल नहीं होती, इसकी क्या वजह। इसका जवाब भी पेज नंबर 16 पर, दूसरी जो हेडिंग है स्मॉल, दूसरा सवाल, इसकी दूसरी हेडिंग स्मॉल न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी, केसी की स्मॉल न्यूमेरिकल वैल्यू। इसके लिए देखिए, एट इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑलमोस्ट ऑल रिएक्टेंट्स आर प्रेजेंट एंड प्रोडक्ट्स आर कन्वर्टेड इनटू रिएक्टेंट्स, हेंस दीज रिएक्शन नेवर गो टू कंप्लीशन, ये रिएक्शन मुकम्मल नहीं होती। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, इफ अ रिएक्शन हैज लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी विल इट गो टू कंप्लीशन, अगर किसी रिएक्शन की न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा है, बड़ी है, तो क्या यह रिएक्शन मुकम्मल होगा। इसके लिए भी हमारे पास पेज नंबर 13 पर, पेज नंबर 13 पर जो है वो मौजूद है, लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी, ये आप इसकी जो डिटेल है वो लिखेंगे और इसके साथ इक्वेशन इसके साथ। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ रिएक्शन डू नॉट गो टू कंप्लीशन, इसमें पेज नंबर 13 पर जो आखिरी हेडिंग है न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी इज नेदर स्मॉल नॉर लार्ज, ये आप मेंशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई एट रिएक्शन मिक्सचर डज नॉट हैव 50% रिएक्टेंट एंड 50% प्रोडक्ट्स, याद रखें कि इक्विलिब्रियम के लिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का बराबर होना लाजमी नहीं है, बल्कि रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन का बराबर होना लाजमी है। तो स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा लेसन था, उम्मीद है आपने इसे समझ लिया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें। बहुत शुक्रिया।